कर्नाटक के अंदर जो 224 सीटों के ऊपर विधानसभा का इलेक्शन लड़ा गया मेरे भाई, अब उसका मतदान का जो वक्त है अब खत्म हो चुका है, सिर्फ अब इंतजार है तो फाइनल रिजल्ट का। पर फाइनल रिजल्ट से पहले अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, यानी कि अनुमानित जो आंकड़े होते हैं, ये जो एक एनालिसिस डेटा निकाला जाता है कि कितने परसेंट जो है कितनी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, कितने वोट मिलने वाली है, तो एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम बात करें यानी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के रेफरेंस के हवाले से या फिर यानी इंडिया एक्सप्रेस के रेफरेंस के हवाले से अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस को बताया जा रहा है कि कांग्रेस को यानी सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है। जैसे कि कांग्रेस को 136 सीटें मिली है, बीजेपी को 63 और जेडीएस को 21, अदर को 4। यानी कि देखा जाए तो अभी तक फिलहाल के अंदर कांग्रेस सबसे आगे है। एग्जिट पोल के मुताबिक अगर फाइनल रिजल्ट आता है तो बहुमत से कांग्रेस जो है कर्नाटक के अंदर जीत सकती है। ये नहीं बल्कि एक डेटे के मुताबिक ये भी हमें देखने के लिए मिला है कि इंसान की जो कमाई है, जैसे कि 10,000 से कम जो लोग कमाते हैं पैसा, उन्होंने ऐसे ऐसे जो लोग हैं तो 44% कांग्रेस को वोट दिया है, और जो 10,000 से ज़्यादा यानी कि 20,000 से कम जो पैसा कमाते हैं तो ऐसे कैटेगरी के अंदर आने वाले लोगों ने 41% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को यानी वोटिंग की है मेरे भाई। ये नहीं बल्कि इलेक्शन होने से 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने आवाम के साथ में कर्नाटक के ये 5 वादे किए थे, और राहुल गांधी ने 5 वादे करने से पहले ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर कर्नाटक के अंदर फाइनल रिजल्ट के अंदर जीत जाती है तो पहले ही कैबिनेट की जो मीटिंग होती है तो ये 5 वादे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनल कर दिए जाएंगे, जिसमें से पहला वादा राहुल गांधी ने आवाम के साथ में ये किया कि कर्नाटक की जितनी औरतें हैं तो उन औरतों को 2,000 रुपये महीना उनके अकाउंट के अंदर कांग्रेस पार्टी उनको प्रोवाइड करेगी, हर महीना उनके अकाउंट के अंदर भेजेंगी, उनको देंगी। दूसरा वादा जितनी महिलाएं हैं उनको बस फ्री की जाएगी। तीसरा वादा के जो घर का बिजली का जो बिल है वो बिजली का बिल 200 यूनिट तक फ्री कर दिया जाएगा। चौथा वादा फैमिली है, और फैमिली के अंदर जो हर एक शख्स होता है उसको 10 किलो गऊ हम प्रोवाइड करेंगे। और पांचवा वादा जो राहुल गांधी ने किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कर्नाटक के अंदर जो ग्रेजुएट किए लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुका है तो उनको कांग्रेस पार्टी 2 साल तक के हर महीने उनके अकाउंट के अंदर 3,000 रुपये जो है वो भेजेगी, और जो डिप्लोमा कर चुके लोग हैं तो उनको 1,500 रुपये हर महीने जो है 2 साल तक कर जो है कांग्रेस पार्टी उनके अकाउंट के अंदर प्रोवाइड करेगी, उनको भेजेंगी। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ भाई, आप ये याद रखें कि एग्जिट पोल के मुताबिक अगर फाइनल रिजल्ट आता ही है तो कांग्रेस पार्टी जो है वो फाइनल रिजल्ट यानी कर्नाटक के अंदर वो है इलेक्शन जीत जाएगी या फिर जीत सकती है मेरे भाई। अगर वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग।